काफ़ी टाइम से आप लोगों का ये डिमांड था कि मैं टीन के लिए डाइट प्लान लेकर आऊँ जिसमें आप 10 के जी का वेट रिडक्शन कर पाए टू वीक्स से पंद्रह दिनों में तो ये चौदह से पंद्रह दिन का ये डाइट प्लान है जिसमें आपको चौदह से पंद्रह दिन एटलीस्ट टू वीक्स तक इस डाइट प्लान को फॉलो करना होगा जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम भी अगर आप करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो भी आपका अच्छा खासा वेट रिड्यूज़ हो जाएगा ये एक डाइट प्लान आपके मोटिवेशन लेवल को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा एंड आपको बहुत ज्यादा ये कॉन्फिडेंस देगा कि आप वेट रिड्यूस कर सकते हो जो कि इनिशियल लेज में बहुत ज़रूरी होता है जिनको लगता है पंद्रह दिन में क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ पंद्रह दिन करके आप देख लीजिए उसके बाद जो मोटिवेशन आपको उस पंद्रह दिन से मिलेगा ना वो आपके लाइक लॉन्ग टर्म के वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी हम वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं बट एक और दो दिन भी हम उसमें नहीं टिक पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन लेवल जो कि हमें मिल ही नहीं रहा होता है अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर वेट रिडक्शन टेन के का तो जरूर होगा कि ये डाइट प्लान बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसकी हेल्प से अगर आप इसको कंटिन्यूस बेसिस पंद्रह से बीस दिन फॉलो करते हैं टेन के का वेट रिडक्शन जरूर होगा फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका वेट रिड्यूज़ होगा बिकॉज आई नो बोर्ड्स के एग्जाम और अदर एग्ज़ाम के चक्कर में स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करे बट अगर आपका ओबेसिटी का इशू है और बहुत ही ज़्यादा वेट है लाइक अब सिक्सटी के जी अगर आपका वेट है तो मैं ये बोलूंगी डाइट प्लान ये फॉलो करें प्लस आप थोड़ा सा आधे घंटे से एक घंटे का टाइम निकाल के कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करें फ़िजिकल एक्टिविटी में कौन से एक्सरसाइज आपको करने होंगे वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊँगी विथ फ्यू टिप्स जिससे कि आपका वेट रिड्यूस और भी जल्दी होगा तो उससे पहले हम देख लेते हैं चल के क्या डाइट प्लान है जो आपको 15 से 20 दिन फॉलो करना है टू तो रिड्यूस 10 केजी सो विदाउट एनी फादर लेट गेट द वीडियो ओके तो पहले हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की तो मॉर्निंग ड्रिंक यहाँ पे आप सिंपल सा लेंगे और उस सिंपल से मॉर्निंग ड्रिंक में आप जस्ट एक वार्म लेमन वाटर लेंगे अगर जिसको सिट्रस फ्रूट को सुबह मॉर्निंग में लेने से दिक्कत होती है वो कुकुम्बर डिटॉक्स वाटर लेंगे ओके okay, कैसे प्रिपेयर करना है वो हम अब देख लेते हैं देक, 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 देक,

सिक्स थर्टी के अराउंड में लेना है देन आपको अराउंड एट एम में अपना ब्रेकफास्ट करना है ब्रेकफास्ट में में ले लेना है एक ग्लास डिटॉक्स ड्रिंक का जो मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें फ्रूट्स के मिक्सचर का ये जो ड्रिंक है लाइक ऑरेंज एंड लाइक आंवला जूस से मिक्स का ये जो आप देख रहे थे वाला आपने जूस लेना है इसके साथ आप, जो नॉन वेजिटेरियंस है वो एक लेंगे ब्रेड ऑमलेट एक से दो ब्रेड ऑमलेट लेंगे दैट्स इट अब हम लोग चलते हैं ट्वेल्व पी एम बारह बजे के आसपास आपने एक छोटा सा मील लेना है जैसे कि पनीर भुर्जी कर ली ठीक है थोड़ा सा लाइक बहुत ही थोड़ा सा इतना सा आपने पनीर भुर्जी करके एक कटोरी छोटी सी ले ली वो आपने खा लिया एज अ स्नैक बारह बजे करो में, या फिर जो पनीर को अवॉइड कर रहे हैं वो इसके जगह में छोले को बॉइल कर सकते हैं और उसमें टमाटर प्याज काट के चाट बना के खा सकते हैं अब हम लोग चाहते हैं अराउंड दो बजे के आसपास का मील ठीक है दो बजे के आसपास में आपने लेना है एक ओट्स की रोटी एक कटोरी वेजिटेबल वेजिटेबल में आपने कौन कौन से वेजिटेबल लेने हैं जैसे लौकी की सब्ज़ी चना दाल और लौकी की सब्जी दूसरी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन में आप ले सकते हैं कॉलीफ्लावर की सब्जी लाइक कैबेज की सब्जी ब्रोकली की सब्जी ब्रोकली का रेसिपी ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अपलोडेड है और मेरे इंस्टाग्राम में भी अपलोडेड है तो चेकआउट कर लेना कंचना डैश मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है तो ये सारी सब्जियां जो होती हैं वो लो इन कैलोरीज होती हैं ऑल्सो ग्रीन वेजिटेबल अगर बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है आप आराम से लेके ग्रीन वेजिटेबल बना के खा सकते हैं ठीक है एक कटोरी साथ में एक कटोरी आपने दाल लेनी है कोई भी दाल साथ में सैलड सैलड आप कैबेज सैलड बना लेंगे कैबेज सैलड की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल में अपलोडेड है सैलड

आप मिल्क नहीं पीना चाहते आप चाय पीने वाले बच्चे हो जिसको चाय पीने की आदत होती है तो चाय की रेसिपी मैंने अपने चैनल में अपलोड की किस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका वेट रिड्यूस होगा तो वैसे आप पी सकते हैं साथ में अब चलते हैं लास्ट मील ऑफ द डे पे तो सात बजे आपका लास्ट मील होना चाहिए उसके बाद आपको भूख लगती है तो आपने पानी पीना है ठीक है सात बजे इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है सात बजे के अराउंड में आपने कर खाना है एक रोटी ठीक है एक रोटी पाम साइज़ की ठीक है देखो दोपहर के टाइम जो लंच के टाइम की रोटी होगी उसके उस, उसकी उस रोटी का साइज़ मैंने आपको डिफाइन नहीं किया है बट जो डिनर के टाइम का रोटी होगा उसका साइज इतना सा रहेगा वो एक रहेगा ठीक है दूसरा साथ में आप वेजिटेबल सैलेड लेंगे जो काले चने का सैलड है या फिर जो कैबेज का सैलड है कैबेज एंड एग का सैलड वो मैंने अपने चैनल में अपलोड किया थमने लाभ आप देख सकते हैं वही आपको बनाना है इसके साथ और लेना है अगर ये भी नहीं तो साथ में आप लौकी की सब्ज़ी बना के ले सकते हैं जो आपने लंच में बनाई थी वही सब्जी भी आप डिनर के टाइम में ले सकते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस को मैंने बहुत ही कम कर दिया है क्योंकि इससे आपको दिक्कत नहीं होगा आपके पेरेंट को दिक्कत नहीं होगा और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पेरेंट बोलेंगे कि आप डाइट फॉलो मत करो पूरी चीज़ घर के चीज़ों से ही है जो कोई बनती है उसको आप मैंने जो क्वांटिटी बताई उस क्वांटिटी से ले लीजिए एक कटोरी सब्जी एक कटोरी दाल एक कटोरा सैलड एंड रोटी एक इस हिसाब से लीजिए सब्जी में आपको जो मैंने ऑप्शन दिए वो रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा स्पाइस और सॉल्ट का अमाउंट कम कर दीजिए इसके साथ बिफ़ोर बेड में आपको नाइट टॉनिक लेनी है नाइट टॉनिक की जो रेसिपी मेरे चैनल में अपलोडेड थे आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अब हम लोग चलते हैं कुछ मंत्रास में जो कि आपके वेट लॉस को बूस्ट करेंगे और वेट लॉस कराने में और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे तो मंत्राज में सबसे पहले ये चीज़ है कि खाना खाने से पहले आपको एक ग्लास पानी पी लेना है लाइक ट्वेंटी थर्टी मिनट्स पहले लाइक फिफ्टीन से ट्वेंटी मिनट पहले आपने एक गिलास पानी पी लेना है इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो पेट है वो पानी से भर जाएगा एटलीस्ट दो ग्लास पानी पी लीजिए तो आपका पेट ऑलरेडी फुल फील करेगा और इसके हिसाब से आप आपने पानी की क्वान्टिटी को कंप्लीट लोगे। दूसरा टिप पानी पे ही है और वो ये है कि आठ से दस ग्लास एक दिन का आपको टारगेट कंप्लीट करना है ताकि आप अपने लाइक हंगर के सिग्नल्स को जो कि हमें प्यास लगने सिग्नल होती है और जो भूख लगने वाली सिग्नल होती है उसमें आप कंफ्यूज ना हो और ओवर ईट ना करो तीसरी चीज़ ये है कि आप अमाउंट ऑफ मसालाज ऑयल्स एंड सॉल्ट को कम कर दो इसके वजह से आपको बहुत जल्दी ये दिखेगा कि आपके फेस से ब्लॉटिंग आपके पेट से ब्लॉटिंग चला गया है और इंचज़ काफ़ी जल्दी कट डाउन हो जाएंगे और फैट लॉस बहुत जल्दी होगा तीसरी चीज़ जो राइस इनटेक करने वाले लोग हैं मैं बोल रही हूँ कि आपको राइस ये जो डाइट पे ना पंद्रह से बीस दिन का बस आपने उतने दिन के लिए ही कट ऑफ करना है अपने लाइफ से ज़िंदगी भर के लिए नहीं करना है तो बिल्कुल मत डरिए कि इस डाइट में राइस नहीं है तो अगर आपका वेट सिक्सटी प्लस है और आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ओवर वेट है तो फिर अगर आपको कुछ दिन चावल को छोड़ना भी पड़े अपने हेल्थ के लिए तो वो आप कर ही सकते हैं ठीक है तो बस कुछ दिन की बात है उसके बाद आप कंटिन्यू अपने लाइफ में आ जाएंगे मैं मेनटेनेंस डाइट ज़रूर लाऊंगी फॉर टीन भी लाऊंगी तो बिल्कुल मत डरिए पर पंद्रह से बीस दिन इस डाइट पर एकदम कॉन्स्टेंट रहिए दूसरा जो लास्ट टिप है वो ये है कि आपने शुगर पैक्ड फूड इन सबको बिल्कुल कट ऑफ करना है पिज़्ज़ा और वगैरह ये सब कोई भी ऑर्डर आपने इन पंद्रह से बीस दिन करने ही नहीं हैं दो हफ़्ते ऐसे ही निकल जाते हैं तो डोंट वरी इसको बहुत बड़ा मत बनाओ लाइक राई का पहाड़ मत बनाना कि बाप रे बाप चक्कर आ रहा है ये हो रहा है दो हफ्ते में ऐसा कुछ नहीं होता है और आप कंप्लीट कर लोगे टू वीक्स यूँ निकल जाएंगे ठीक है तो आई होप आप लोग को डाइट प्लान पसंद आया होगा ये मंत्राज़ मेरे जो मैंने आपको दिए वो भी पसंद आएंगे अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने वर्कआउट क्या करना है देखिए वर्कआउट नहीं किया तो भी वेट लूज रिड्यूज़ होगा इससे बीस दिन लगेगा बट होगा बस अगर आपने बट अगर आपने वर्कआउट कर लिया तो चौदह दिन के अंदर गारंटेड आपका वेट रिड्यूस अच्छा खासा हो जाएगा तो आपने वर्कआउट कौन से करनी है वर्कआउट मेरे मेरे चैनल में से अभी रिसेंटली जो मैंने वर्कआउट डाला है उसमें लाइक like ज़ुम्बा है एरोबिक्स के हैं लाइक डेज चैलेंज है like 10 उन सब चैलेंजेस को आप करिए और उसको हर दिन में लाइक like, हर दिन में एक घंटा आप वर्कआउट के लिए निकालिए चैलेंजेस में से वर्कआउट करिए और हर एक दिन का टारगेट कम्प्लीट करिए या फिर वो भी नहीं तो कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ ही खेल लीजिए जैसे कि बैडमिंटन खेल लीजिए फ़ुटबॉल खेल लीजिए कोई भी एक्टिविटी करिए कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करिए जिससे कि आपको बेटर फील हो और आपका जो रिज़ल्ट है वो विद इन टू वीक्स आपको नज़र आने लग जाए सो आई होप आप लोगों को डाइट प्लान पसंद आया होगा डाइट प्लान काफ़ी ईजी है एंड आई कैन से कि कोई भी इंसान इसको अच्छे से फॉलो कर सकता है अगर वो ईमानदारी से फॉलो करना चाहे तो अगर ईमानदारी से वो चाहे कि उसे वेट रिड्यूस करना है तो तो अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हो और आप यू आर इफ़ यू आर इन दिस चैलेंज ऑफ टू वीक्स देन राइट डाउन द कमेंट सेक्शन योर नेम एज वेट योर टारगेट वेट और आप कहाँ से मुझे मैसेज कर रहे हो वो ज़रूर लिखना ताकि मुझे पता चल रहा है कि आप कहाँ कहाँ से मुझे लाइक like, देखते हो तो वो मुझे मोटिवेशन जरूर देगा और हैश टैग स्टे फिट विथ कंजनर ज़रूर लिखना मुझे मेरे इंस्टाग्राम में आके फॉलो कर ले क्योंकि काफ़ी रेसिपीज डेली बेसिस में मैं अपने इंस्टाग्राम में डालती हूँ जो कुछ मैं खाती हूँ वो मैं इंस्टाग्राम में अपलोड करती हूँ तो अगर आपको ये जानना कि वॉट आई ईट इन अ डे ऑन डेली बेसिस तो वहाँ पर ज़रूर से चेकआउट करें मुझे फॉलो कर कंचन राय डैश वन इज माई इंस्टाग्राम हैंडल सो या गया वीडियो को लाइक जरूर करना ट्राई टू इसको इतना शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स ग्रुप में फैमिली ग्रुप में ताकि सबको इस डाइट प्लान से हेल्प मिल पाए एंड इस डाइट को ट्वेंटी प्लस लोग भी फॉलो कर सकते हैं ऐसा कोई इश्यू नहीं है ठीक है so, सो या गया तो जिसके तौर पर टूडेज वीडियो मीटिंग नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रेन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी बाय बाय